छत्तीसगढ़ के कलाकार जो मंच में प्रस्तुति दे रहे थे, जिन्हें पुरस्कार मिल रहा था, उसको देखकर ये लगता नहीं था कि ये छालीवुड है, लग रहा था ये बॉलीवुड में हम आ गए हैं। उसका प्रस्तुति हम देख रहे हैं, जबरदस्त परफॉर्मेंस, कमाल के कलाकार, कोरियोग्राफर, कला, जबरदस्त आर्टिस्ट हमारे छत्तीसगढ़ के। आज मुझे ये कहने में खुशी हो रही है कि छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के कलाकार, और एक लाइन में कहता हूँ छत्तीसगढ़िया, ये आज आपने साबित करके दिखा दिया। अमोल पालेकर जी इसके गवाह हैं, उन्होंने कुछ ना बोलते हुए भी छत्तीसगढ़ के कलाकारों को आज जो सम्मान दिया और जो यहाँ पहुंचे हैं, मैं उनका आप सबकी ओर से, पूरे छत्तीसगढ़ वासियों की ओर से स्वागत करता हूँ। छूत और छुआछूत और अस्पृश्यता को लेकर एक चुनौती उस समय छत्तीसगढ़ में, आज की कल्पना तो नहीं कर सकते, उस समय ये कल्पना करके ऐसे समाज को जागृत करने वाला विषय को छूने का दुस्साहस किया, मैं इसलिए मनु नायक जी को बधाई देना चाहता हूँ। वो छत्तीसगढ़ है जहाँ सीता बेंगरा और जोगी मास की गुफाओं में तीसरी सदीसा से पूर्व के नाट्यशालाएं यहाँ मिलती है, तो ये बताता है कि छत्तीसगढ़ में ये विधा सैकड़ों हजारों साल से जीवित रहा। और छत्तीसगढ़ के वो कलाकार लोचन प्रसाद पांडे, सुखदेव पांडे, टिकेन टिकरिया जी और नरेंद्र वर्मा जी, इन लोगों ने जो नाटक लिखे और उस परंपरा को आगे बढ़ाया, छत्तीसगढ़ के लोकरंज और लोक नृत्यों को सजाया और संवारने में जिनकी भूमिका रही,